हमारे जो होते हैं तंदूर में रोटी पकती है तो वो ऊपर से भर जाता है आग में। तो देखोगे ना होटलों में तंदूर में रोटी पकती ना, कुएं में कुएं में पुलाव मासूम सा क्या बकरी सब कुछ हंस खाए, हंस थे बतख थे मुर्गी थे बकरी थी हिरन था, उसमें अंगार भरी हुई थी जो आग की। आदमी अगर घर से हवा लग जाए तो मर जाए जब तक। और बकरी का बच्चा दो तीन दिन का था वो तो भक्त उसको टूट गया और अंगार लाल लाल भरी तो खादी ने कहा बाबा तुम्हारी बकरी का बच्चा तंदूर में गिर गया जी। वहाँ पर उसको फौर एक सेकेंड के अंदर कबाब बन जाना चाहिए जी। और बाबा का भोला हम देखिए ये नहीं बोले कि मर गया हो गया या कुछ हो गया। बाबा बोले निकालो जल्दी निकालो, वो घबरा थे निकालो जल्दी वो घबरा थे। उसको देखो आपके ऊपर खड़ा देखने का ना सुबह और ताजे ताजे खुद थे नहीं चला सुबह। और एक पागल आया उसको इतनी मोटे मोटे रस्से में बांध करके बाबा जी हमारे पागलों को लाया जाता पागल। बाबा बोले इसको खोल एक चुनने बोला ना तो बाबा जी खा जी जी। तो उन्होंने उससे पागल से कहा कि लकड़ी चीलो जी तो नीचे अगारी दिया जी पागल बताए जी। बाबा ने कहा इसकी लकड़ी सी खोल कुछ काम करे तो दूसरा आदमी पट पकड़ के लाया था जैसे में बांध कर जी। बाबा ने कहा खोल दिए लकड़ी खोल दिए और बाबा बोले कुल्हाड़ी दे दो लकड़ी चीले जी। जो लकड़ी चीलने वो गया जी तो चिन्ह में बोला ना मैं मजा लिया बोले मैं बोला था भोपाल भी तब नहीं आए थे चिन्ह ने। और बाबा ने बोला तो आ गया जी। तो बोला हमसे हैरानी को नहीं करना तो पेट में फाड़ में बैठा बड़ा पेट था बोला ना जी। फिर इन्होंने मुस्कुराया लाइन मारा उसको मिल किया उसने कुल्हाड़ी मारा पेट के ऊपर नीचे पर खींच दिया पूरी उजड़ी रक्त बाहर आ गई और जमीन में पड़ी मौलाना चिल्ला रहे खड़े खड़े मौलाना खड़े खड़े चिल्ला रहे बाबा दौड़े और उसकी उल्टी पिछड़ने वाला ना कुछ पेट में रखते उसे पेट कर दिया। बोले गाड़ी ला गाड़ी उठाई कर गाड़ी उठा के लेके गए लगता साइकिल पर। और पागल जैसे कुल्हाड़ी मारा वैसे उसी वक्त उसका पागल कर दी ऐसी बहुत सी वाकया पागलों को लेकर आते थे। और मंगल इतवार को तो हजारों लतवा पाली वाले खून छुड़वाने आते हजारों लतवा पाली और बहुत खुशी में आ रहे सुबह से खून छोड़ते थे तो सुबह से शाम हो जाती है जब शाम हो जाती है चलो खत्म हो जाती नहीं होगा बड़ा मजा आता था जी। दिन भर बैठ के हिस्सा पीते रहते जी। एक बात क्या हो तुम्हारे कम एक थे एक मेरा पूछने वाले पीर भाई हरीश कुमार अग्रवाल जी तेरा तो प्रतीक है कन्याकुमारी की टीम का पर्दा हो गया जी। बाबा का पर्दा होकर चले गए वो एम बी बी एस एम डी थे डॉक्टर हरीश कुमार अग्रवाल जी। और उनके दोस्त थे हाजी यूसुफ 24 नंबर। तो एक दिन हरीश कुमार अग्रवाल और हाजी शिकार के लिए जा रहे थे जीप में बैठ के तो खानका देखा और उनको बोले ये क्या है हरीश कुमार अग्रवाल ने पूछा क्या है तो हाजी यूसुफ ने कहा कि ये बाबा माफी साहब की खानका है चलो देखते हैं कैसे दिखते बाबा क्या है तो देखेंगे तो बोले ऐसे बाबा साहब कांसी नहीं बोलते पीले कपड़े वाले जी बोले होंगे क्योंकि मेरे जैसे नहीं है। अरे बोले चलो हरी साहब अब मुझे यहाँ आना नहीं है देखो। बाबा ने बोला तू शाम के 7 बजे के भी घर आएगा शाम के 7 बजे के भी घर आएगा। तो हरीश कुमार बोले घर वाले कहा कि मैं भूले भी नहीं होंगे अरे जंगल में गए शिकार के लिए इनको वृक्ष दस लिया काले नाम के दस लिया और मर गया उधर। अब जब हरीश कुमार अग्रवाल को मरी हुई मैयत लेके आए गाड़ी में तो बाबा के पास देखा कि बाबा ने मारा पानी फिर घबरा के उठे देखे बाबा के यहाँ हाथ तो घबरा के फिर कैसे आ गया। बाबा ने कहा टेंशन मत ले तू 7 बजे ही घर आया था
तो उन्होंने सारे सर्टिफिकेट वगैरह सब जला डाले, कपड़े उठा डाले और नवनी मछली उनकी हरीश कुमार अग्रवाल की और अख्तर अजहर खान की बहुत पड़ती थी काजू शरिया जिसको बोलते हैं जी, बहुत पड़ती अख्तर अजहर खान हाँ सर बहुत मानते थे और सबसे ज्यादा फकीरी भी सीख सकती थी जी। हरीश कुमार अग्रवाल की एमबीए से भी था जी, एक फूक मारता था मिठाई देता था दादा चलता नहीं था एक ही फूक में काम हो जाता था थोड़ा खूब काम करते और थोड़ी गलत काम करते और चलो इनके बात तो बहुत लंबा है वो जितना सुनाते जाओ बुजुर्गों की कहानी इतना कम है। अब रहीम शाह बाबा हाजी रहीम शाह का वाक्य सुनाता हूँ। महिबाग में रहते थे उनका खाति था खटिक पता नहीं किस रसी है खटिक सूरत वाला है तो हाजी रहीम शाह उसको बोले ये सब कुछ खाना मगर वो नहीं खाना सब कुछ खाना मगर वो नहीं खाना वो नहीं खाऊंगा बस तो खिदमत करता था अच्छा छोटा था स्मार्ट एक दिन सूरत खा के आ गया और बाबा अपने हुजूर में बैठे तो चिल्लाए बोले हराम नहीं इधर नहीं आना इधर नहीं आना तुझे सुबह खा के आ गया हराम खा के आ गया चिल्लाया बोले जा साले तुझे मेरी बात नहीं माना तू ऐसा मरेगा ना जमीन ना आसमान ना अंदर ना बाहर ना अंदर ना बाहर मुझसे निकला तो ऐसा मरेगा साले ना अंदर ना बाहर घर पे गया और एक कदम दरवाजे के अंदर और एक कदम दरवाजे बाहर और दरवाजे फाट पड़ा उसके ऊपर मर गया तो उन्होंने बहुत से पेड़ लगा के रखे थे जी तो फॉरेस्ट ऑफिसर ने कटवा के उनको गुंडों से मिल करके पेड़ कटवा के 9 पेड़ कटवाया उसने फॉरेस्ट ऑफिसर ने बेच दिया। मुन्ना शाह वहाँ जाते रहते थे मुन्ना शाह बोले बाबा तुम्हारी सारी लहर तुम्हारे अंदर चली गई क्या ये हराम से पेड़ कटवा रखा कि बेच रहा है तुम कबर में लेते देख रहे हो कुछ कर नहीं रहे हो। मुन्ना शाह बोल के चले बोले हम नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ से ये काम होता है चले आए। दूसरे दिन उसका मर्डर हो गया तो फारिश का फिक्र था और 9 टुकड़े हुए उसके 9 टुकड़े को इकट्ठे फेंक के तो फकीरों की जबान जो है वो बहुत खतरनाक होती है। मैंने गुल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया है लिसान उल फुकरा सैफ उल रहमान फुकरा की जबान अल्लाह की तलवार फकीरों की जबान से अल्लाह की तलवार होती है फकीरों को खुश होती है फकीरों से अच्छे से प्यार मोहब्बत से फकीरों के पास बैठे की चाल मत चलो चाल मत सोचो जो चाल चलता है उसकी जिंदगी आते सब खराब हो जाती है जिंदगी में एक कांटे कांटे हो गया तो क्या ना किया और बहुत से मैंने पक्के देखे लेकिन हजरत बाबा मासूम शाह गुरुद्वारा लेकिन ऐसा पक्के नहीं देखा इसलिए कि आपकी जिंदगी में ही आपकी खानदान में लोग मन्नत मानते थे और दिन भर तो बकरे मुर्गे करते रहते दिन भर बकरे मुर्गे करते रहते एक नट था नट नट बोलते हैं हमारी यूपी में भीख मारने वाले कौन थे नट गाँव बड़े पारा टेकनी पूरा नटों का गाँव है और पूरे नट हमारे बाबा की मुड़ी थे बड़े पारा टेकनी एक नट को रागनी थी उसने बाबा से दुआ करवाया दुआ कर गर्म कर दिया उसको होके लगता जैसे जवान हो बदमा के और नट बड़ी भीख कौन होती है सरकार पर लिखा लिखा के उसको मिले तो और लेके आके बाबा साहब ने दिए बोले जब मारने का तो भीख ही थे जवानी में मर गया बाबा बोले नहीं ऐसा नहीं मरा नहीं होगा बेहोश होगा अरे बोले सुबह से मरा होगा बाबा ने देखा और मारा पानी का सुन लिया सुबह नटलो बहुत मतलब नटो के अंदर एक बार गया हूँ जी वो नोच जाते कोई बात होता तो मचे गया कोई ना कि बाबा मैं चाय पी ले चल खाना खा लेते बाबा खाना खा ले चाय पी ले शरबतें पी ले हर कौम के लोग गरीब थे। एक आदमी बड़ा बोतरा नवाब था उसको अपनी प्रॉपर्टी जमीन जगह का बड़ा जरूर था बाबा माँ पूछा उसके खेत में से रास्ता था बीचों बीच खेत में से बड़ा फार्म हाउस था उसका बीचों बीच में से रास्ता था बाबा जा रहे थे काफ़ी लाठी लेके खराब है बोले कहाँ जाए वापस जाओ बोले दुनिया जाती रास्ता बनना है सब जाते हैं हम भी जा रहे
दुनिया जाके जाने धर्मपुर को नहीं जाएगी।